नमस्कार, दैनिक थोक मूल्य विवरणको साथमा उपस्थित भएको छु म राजाराम डंगोल। दैनिक थोक मूल्य विवरण तपाईं हरेक दिन बिहान 9:15 बजे र बेलुका 6:15 बजे कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै www.krishiradio.yc.np अनि कृषि रेडियोको मोबाइल एप्लिकेशनबाट पनि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। हामी दैनिक थोक मूल्य विवरणमा धादिङको तुनबिसी नगरपालिका सह धार्केको तरकारी बजारको थोक मूल्य विवरण, त्यस्तै काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारको थोक मूल्य विवरण प्रस्तुत गर्छौँ। आजको थोक मूल्य विवरण सुरु गरौँ धार्के तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणबाट। सिमी प्रति किलो 55-60 रुपियाँसम्म, साग प्रति किलो 35-40 रुपियाँसम्म, घिउ बढी प्रति किलो 65-70 रुपियाँसम्म, मकै बढी प्रति किलो 35-40 रुपियाँसम्म, काँक्रो प्रति किलो 18-20 रुपियाँसम्म, इस्कुस प्रति किलो 15-20 रुपियाँसम्म, लौका प्रति किलो 35-40 रुपियाँसम्म, तिते करेला प्रति किलो 45-50 रुपियाँसम्म, अकबरे खुर्सानी प्रति किलो 180-200 रुपियाँसम्म, लामो पिरो खुर्सानी प्रति किलो 120-125 रुपियाँसम्म, कालो पिरो खुर्सानी प्रति किलो 130-140 रुपियाँसम्म, अम्बा प्रति किलो 30-35 रुपियाँसम्म, गोलभेडा प्रति किलो 80-85 रुपियाँसम्म, घिरौला प्रति किलो 50-60 रुपियाँसम्म, हरियो प्याज प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, लसुन सुकेको प्रति किलो 170-180 रुपियाँसम्म, प्याज सुकेको प्रति किलो 105-110 रुपियाँसम्म रहेको छ। धार्की तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणपछि अब भने पालो भएको छ काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणको। गोलभेडा ठुलो नेपाली प्रति किलो 75-80 रुपियाँसम्म, गोलभेडा सानो प्रति किलो 75-80 रुपियाँसम्म, गोलभेडा सानो टडेल प्रति किलो 80-85 रुपियाँसम्म, आलु रातो प्रति किलो 90-92 रुपियाँसम्म, आलु रातो भारतीय प्रति किलो 60-62 रुपियाँसम्म, प्याज सुकेको भारतीय प्रति किलो 105-107 रुपियाँसम्म, गाजर लोकल प्रति किलो 110-120 रुपियाँसम्म, बन्दा लोकल प्रति किलो 60-65 रुपियाँसम्म, काउली स्थानीय प्रति किलो 110-120 रुपियाँसम्म, मुला सेतो लोकल प्रति किलो 30-35 रुपियाँसम्म, सेतो मुला हेप्रे प्रति किलो 30-35 रुपियाँसम्म, भन्टा लाम्चो प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, तने बोडी प्रति किलो 80-90 रुपियाँसम्म, मकै बोडी प्रति किलो 40-50 रुपियाँसम्म, घिउसिमी लोकल प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, घिउसिमी हाइब्रिड प्रति किलो 75-80 रुपियाँसम्म, भटमासको कोसा प्रति किलो 60-70 रुपियाँसम्म, तिते करेला प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, लौका प्रति किलो 60-70 रुपियाँसम्म, परवल लोकल प्रति किलो 90-95 रुपियाँसम्म, चिचिन्डो प्रति किलो 45-50 रुपियाँसम्म, घिरौला प्रति किलो 95-100 रुपियाँसम्म, झिगुनी प्रति किलो 80-85 रुपियाँसम्म, फर्सी पाकेको प्रति किलो 30-35 रुपियाँसम्म, हरियो फर्सी डल्ले प्रति किलो 40-50 रुपियाँसम्म, भिँडी प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, पिँडालु प्रति किलो 50-60 रुपियाँसम्म, इस्कुस प्रति किलो 15-20 रुपियाँसम्म, रायोको साग प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, पालुको साग प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, चम्सुरको साग प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, तोरीको साग प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, प्याज हरियो प्रति किलो 180-190 रुपियाँसम्म, च्याउ कन्या प्रति किलो 150-160 रुपियाँसम्म, च्याउ डल्ले प्रति किलो 350-360 रुपियाँसम्म, चुकुन्दर प्रति किलो 60-70 रुपियाँसम्म, पुदिना प्रति किलो 150-160 रुपियाँसम्म, घाँटे मुला प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, इमली प्रति किलो 130-140 रुपियाँसम्म, तामा प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, तोफु प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, गुन्द्रुक प्रति किलो 290-300 रुपियाँसम्म, स्याउ झोले प्रति किलो 140-150 रुपियाँसम्म, स्याउ फोजी प्रति किलो 290-300 रुपियाँसम्म, केरा दर्जन 80-90 रुपियाँसम्म, कागती प्रति किलो 150-160 रुपियाँसम्म, अनार प्रति किलो 210-220 रुपियाँसम्म, सुन्तला भारतीय प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, तरबुजा हरियो प्रति किलो 75-80 रुपियाँसम्म, मौसम प्रति किलो 100-110 रुपियाँसम्म,
भुइँकटर प्रति गोटा 100 देखि 110 रुपियाँसम्म, काँक्रो लोकल प्रति किलो 45 देखि 55 रुपियाँसम्म, काँक्रो हाइब्रिड प्रति किलो 30 देखि 40 रुपियाँसम्म, नासपाती लोकल प्रति किलो 30 देखि 35 रुपियाँसम्म, मेवा भारतीय प्रति किलो 80 देखि 90 रुपियाँसम्म, अम्बा प्रति किलो 35 देखि 40 रुपियाँसम्म, लप्सी प्रति किलो 35 देखि 40 रुपियाँसम्म, अदुवा प्रति किलो 60 देखि 70 रुपियाँसम्म, खुर्सानी सुकेको प्रति किलो 310 देखि 320 रुपियाँसम्म, खुर्सानी हरियो प्रति किलो 180 देखि 190 रुपियाँसम्म, खुर्सानी हरियो माछे प्रति किलो 110 देखि 120 रुपियाँसम्म, खुर्सानी हरियो अकबरे प्रति किलो 250 देखि 260 रुपियाँसम्म, भेडी खुर्सानी प्रति किलो 180 देखि 190 रुपियाँसम्म, लसुन हरियो प्रति किलो 240 देखि 250 रुपियाँसम्म, हरियो धनियाँ प्रति किलो 290 देखि 300 रुपियाँसम्म, लसुन सुकेको चाइनिज प्रति किलो 160 देखि 170 रुपियाँसम्म, लसुन सुकेको नेपाली प्रति किलो 240 देखि 250 रुपियाँसम्म, ताजा माछा रहु प्रति किलो 200 देखि 210 रुपियाँसम्म, ताजा माछा बसुवा प्रति किलो 190 देखि 200 रुपियाँसम्म, ताजा माछा छडी प्रति किलो 180 देखि 190 रुपियाँसम्म, ताजा माछा मङ्गुरी प्रति किलो 200 देखि 210 रुपियाँसम्म रहेको छ। धार्के र कालीमाटी तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणसँगै आजको लागि दैनिक थोक मूल्य विवरणबाट म राजाराम रङ्गोल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।